Well, I'm really happy that we have a nice little place like the house here in Versova. It's beautifully done, the food is really nice, and the bartenders are very, very courteous. And the other really nice thing is that it is 5 minutes away from home. So I'm going to be pretty regular. It doesn't make a difference to me, I still go to sleep early. So, but great for all those who want to party. Yeah, now Australia is like the sunshine team, you know, I mean, they're just fantastic. But they had too easy a win, I thought. So I think New Zealand didn't put up a tough fight. कराची नहीं गया यार मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो हम लोग ने लंदन में शूट किया, लंदन चीट किया कराची के लिए, और इंदौर में शूट किया, सेट लगाया था कराची का। बट जो बाकी के कुछ शॉट्स हैं, वाइडर शॉट्स, वो कराची में होंगे। वहाँ पे एक्टर्स नहीं होंगे, वहाँ पे ड्यूप लिया जाएगा। बट इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, गुड फिल्म। बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है, बहुत इस तरह का माहौल, ये जो द वार्म फीलिंग यू गेट एंड यू फील वेलकम, यू एन्जॉय अ प्लेस। आई एन्जॉय माय फैमिली एंड माई फ्रेंड्स, सो आई रियली विश देम ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आई मीन मैं जब क्या कहते हैं नाइट क्लब जाया करता था और मस्ती किया करता था, उस वक्त नाइट क्लब सुबह तक खुले हुआ करते थे। मैं बताऊं, उस वक्त हरासमेंट, रेप केसेस बहुत कम थे। उसके बाद पाबंदी लगती गई और सारे हरासमेंट, रॉबरी, रेप केसेस बढ़ते गए। आई थिंक दे शुड कीप इट ओपन, पीपल लाइक टू लेट गो, लाइक टू इन्जॉय देमसेल्फ, वो करना चाहिए। यू हैव टू प्रोग्रेस, स्टॉप बीइंग रिग्रेसिव। तो अगर 24 घंटे की अगर इन लोगों ने अलाउंस दे दिया है तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया। मैं कहूँगा कि बेवकूफ़ी की बात है। विराट जो है बहुत ही अपने काम में, अपने गेम में बहुत सिंसियर है वो, और वो हमेशा रहा है। जैसे मैं सचिन को जानता हूँ, सचिन का भी आप कॉन्सेंट्रेशन तोड़ नहीं सकते, विराट का भी कॉन्सेंट्रेशन आप तोड़ नहीं सकते। और ये गलत बात है कि अनुष्का के वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी इंसान खेलता है, कभी नहीं खेलता। एवरी डे इज़ नॉट द सेम, समटाइम्स यू वर्क, समटाइम्स इट डजंट। सो इट्स रॉन्ग कि आप किसी बंदे को इसलिए ब्लेम कर रहे हो बिकॉज ही इज़ इन लव विद अ गर्ल। आज ऐसा होता तो हर शादीशुदा इंसान को क्रिकेट खेलने का कोई मतलब खेलना ही नहीं चाहिए उसको।